सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर बेबी कुर्ती बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे साउथ कॉटन का फैब्रिक लिया है, जो हमने हमारे सूट में से बचा हुआ फैब्रिक हमने लिया है। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल फैब्रिक लिया है, इसकी लेंथ हमने ली है 20 इंचेस और इस फैब्रिक की चौड़ाई हमने लिया है 42 इंचेस। अब इस फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है। और एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। कुर्ती की कुल लेंथ है 20 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 4 इंचेस और चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस, यहाँ पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल से नीचे 8 इंच पे हिप की लेंथ लेंगे और 4.5 इंच पे कमर की लेंथ, कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 6.5 इंचेस और हिप की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ की चौड़ाई भी हम 7 इंचेस लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। और ये दोनों पीस को अलग करके इसकी नेक की चौड़ाई और लेंथ लेंगे। दोनों पीस को हमने फोल्ड कर लिया है। अब दोनों पीस को मिलाना है और यहाँ पे नीचे नेक की लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस, मार्क करेंगे और यहाँ से नेक का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाना है। इस तरह दो पार्ट हमने कट कर लिए हैं। दोनों पार्ट के साथ हमें दूरी अटैच करनी है शोल्डर में। तो इस तरह के स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंचेस और लेंथ हमने लिया है 20 इंचेस। स्ट्रिप को इस तरह 2 फोल्ड करना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। दोनों स्ट्रिप को हमें सिलाई लगा के इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे होल में से वन साइड हमें नीडल्स सुई से ताका लगाना है। अब इस नीडल को उल्टी साइड से अंदर की तरफ प्रेस करके
इस तरह हमें डोरी को पास कर लेना है। अब यहाँ से फैब्रिक को अंदर की तरफ करके डोरी को खींचना है। इस तरह हमें इस डोरी को खींच के इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। इस तरह दो डोरी हमने रेडी कर लिया है। अब इसका फोर पीस हम कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में पैटर्न आएगी। फ्रंट पार्ट के पैटर्न के लिए हमने इस तरह का फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक के राइट साइड फ्रंट का टॉप पार्ट को उल्टा रख के नेक और आर्म होल को एजेटिंग इसे मार्क कर लेंगे। कमर की लेंथ तक हम इसे मार्क कर लेना है, जिसकी लेंथ हमने ली है 8 इंचेस। इस तरह मार्क कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। इस तरह हमने यह पीस को कट कर लिया है। अब इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। आर्म होल साइड से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इस तरह मैंने शेप दे दिया है। अब इसे कट कर लेंगे। अब इसी नाप का दूसरा पीस कट कर लेंगे। इस फैब्रिक के ऊपर दूसरे पीस को उल्टा रख के इसे एजेटिंग कट कर लेना है। तो इस तरह 2 पीस हमने कट कर लिया है। ये पीस हमने राइट साइड रखा है, इसके ऊपर दूसरे पीस को उल्टा रख के मिलाना है और नीचे के इस शेप पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद हल्के हल्के नोचिस लगा देंगे। और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह मैंने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसे कुर्ती के फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इसे उल्टा रख के यहाँ पे हम सबसे पहले डोरी अटैच करेंगे। डोरी को इस तरह उल्टी साइड से रखना है और इसके ऊपर ये पीस को रख के आर्म होल और नेक में हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमने बैक का पार्ट लिया है, इसे हमने राइट साइड रखा है। इसके शोल्डर पे हम डोरी पहले अटैच करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर नेक और आर्म होल शेप का हमने पीस कट किया है। इसे रख के आर्म होल और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे और इस पीस के इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह मैंने दोनों पीस को अटैच कर लिया है। अब हम हल्के हल्के नोचिस लगा देंगे आर्म होल और नेक पे।
अब इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। हमने गोटा पट्टी लेस ली है। इस लेस को इसके बॉर्डर पे नीचे इस तरह रख के सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रख के दोनों तरफ हम फिटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के हिप की लेंथ तक हमें सिलाई लगानी है, आर्म होल से लेके हिप तक। फिटिंग हो जाने के बाद ये दोनों तरफ 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, इसे रॉन्ग साइड इस तरह टर्न करना है दोनों तरफ का फैब्रिक को, और बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके इसे सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने इस कुर्ती को फिटिंग करके रेडी कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। अब डोरी के साथ यहाँ पे हम टसल्स अटैच करेंगे। इस तरह मैंने फैब्रिक पीस लिया है, इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड करके डोरी को इस तरह रखना है। और फैब्रिक को इस तरह टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इस डोरी को डोरी सेंटर में आनी चाहिए इस तरह, और यहाँ से 20 स्टेप देते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने डिज़ाइनर बेबी कुर्ती रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।